इतनी खूबसूरत पैलेट है मैं खाली ब्राउन यूज सॉरी ब्लैक यूज नहीं करती हूँ खाली ब्राउन यूज नहीं करतीमकता है ब्लैक भी अलग से चमकता है तो हम दोनों को मिला के यूज करते हैं इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है यार पता नहीं क्यों कलर बोर्ड की ये तो आपने भर भर के इसकी वीडियो देखी है भर भर के पर मैंने ये मीशो से नहीं खरीदी है ना मैंने ये खरीदी है एमेजोन से मतलब कुछ तो इसी से ही मेकअप पूरा कर लेती हैं देखो क्या कहती पब्लिक ताली ताली बजाओ बजाओ है ना मस्ट पैलेट पता लगा हिला टूट हिला, हिला, के गिर गई मतलब इसकी यार ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये ऐसे ओहो ओहो ये ऐसे ऐसे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मैंने कहा ना कई बार ना अट्रैक्टिव होती है ओह। कितनी सुंदर लग रही है ना कई बार ऐसा होता है मेरे साथ तो होता है खैर इसके बहुत ही अच्छे शेड हैं भर भर के तारीफ नहीं करूंगी <laughs> क्योंकि इनके जो ये वाले शेड्स हैं ना ये जो मैट शेड है ये ना मतलब उतने बोल्ड नहीं है जितने कि ये देखने में लग रहे हैं इनको बहुत बार रगड़ना पड़ता है घसना पड़ता है तब जाके आपका मन चाह लुक आता है बता रही हूं ना बहुत घसना पड़ता है रे मतलब आप सोच रहे इससे ब्लू मेकअप देखो कितना लाइट है बोल्ड की बात करूँ तो जैसे ये है ना ये नहीं है ये नहीं है ये है ये नहीं है ये देखने में बोल्ड है बट बोल्ड इतने है नहीं बट इसकी एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूं हाँ पर ये है कि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आप उसमें क्या करोगे आप हल्के में भी लोगे तो एकदम डार्क कलर आएगा निकल के एकदम है ना तो इसमें क्या आएगा आप एक बार हल्का ही लोगे तो हल्का ही आएगा निकल के भर भर के नहीं आएगा तो आप आराम से आई मेकअप कर सकते हो पैलेट बुरी नहीं है बहुत अच्छी पैलेट है इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं प्लस पॉइंट वो है इसके ग्लिटर नजर ना लगे इतनी कंजूसी से मैं इसके ग्लिटर यूज करती हूँ इतनी कंजूसी से देखो गड्ढा हो गया ना दिख रहा है आपको देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो गड्ढा हो गया इसमें गड्ढा गड्ढा दिख रहा है आपको गड्ढा मतलब इतने अच्छे ग्लिटर है ये 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 ओए ये देखो मैंने कितना सारा यूज कर लिया ये तो मैं तो मैं बहुत कंजूसी से यूज करती हूँ भाई आप बहुत कंजूसी से है ना देखो इसमें गड्ढा हो गया देखो दिख रहा है आपको ओए एक एक और दिखाती हूँ आपको इसमें भी गड्ढा हो गया देखो <laughs> मतलब जान ले वाह कातिलाना ग्लीटर है इनके कातिलाना मतलब इसमें तो आपको मैं बता रही हूँ सच्ची तो बता रही हूँ इसमें ना आपको किसी ग्लू की जरूरत नहीं है ऐसे चिपक जाते हैं इसको जा दीवार चिपक चिपक जाती है ना बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं इतना मस्त ग्लिटर है उमाल चुम्बेश बहुत पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे दिल के करीब है इसके ग्लिटर मतलब ग्लिटर्स की तो मैं दीवानी हो रखी हूँ इतने अच्छे ग्लिटर्स हैं बट इसके कुछ ये कुछ खास नहीं है ठीक है चलता काम है उसके बाद एक बहुत ही अजीब और गरीब पैलेट से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो है एस एफ आर की कलर हेटेड विद लव वाली पैलेट है उसकी जो शेड है वो है ये वाले इसकी आपने मीशो पर मीशो पे नहीं सॉरी रिव्यू में आपकी भर भर की आपने इस पैलेट की तारीफ सुनी होगी बट ये एक नंबर की बेकार पैलेट है बिल्कुल भी आप मत खरीदना एक तो हेड फ्रेंडली नहीं है क्या लेके जा रहे हो किताब है कोई क्या है बस्ता है हैंड बैग है आई शेडा पैलेट है आई शेडा पैलेट है देखो कितने अट्रैक्टिव कलर लग रहे हैं ये सब सत्यानाश मेरी बेटी ने किया है इसका पता क्या होता है मैं आपको मजाक करती हूँ साइड में क्या होता है ना आपको खुद ही पता चल जाता है जब आप कंटिन्यू अब मैं हूं मैं कंटिन्यू मेकअप करती हूँ रिव्यू भी देना होता है मेरे को और मतलब ट्यूटोरियल मैं कर देती हूँ तो मेरे को कंटिन्यू मेकअप वीडियो बनानी होती है ठीक है तो ये जो कलर्स है ना ये कलर्स ऐसे हैं लाइक जैसे मेरे बेटे के ना वाटर कलर है ना कुछ उस टाइप के हैं ये बहुत ही चीप क्वालिटी के आई शेडो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मैंने फिर भी ना कोशिश की थी कि मैं इससे मेकअप करूं बट इनके जो ये ग्लिटर्स है ना बहुत ही ना अजीब से हैं बहुत ही अजीब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैं मेरे को ये नहीं समझ में आता कि अगर चीज अच्छी नहीं है तो आप रिव्यू में अच्छी क्यों बता रहे हो आपने जस्ट खरीदी एक एक बार लिया मेकअप करा अच्छा। अरे बहुत बढ़िया बहुत ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता मैंने भी बहुत सारे रिव्यू देखे थे मैंने तब जाके ये मंगवा ली मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी मैंने कहा ओहो मैंने एक दो और ऐड कर रखी थी मैंने सबको रिमूव कर दिया एक तो इतनी बड़ी पैलेट मत ही खरीदो यार और मैंने एक दो पैलेट और है मेरी आएंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं बहुत टाइम से खरीदना चाह रही थी अब देखो टचवुड कैसी आती है वो वाली पैलेट्स बट वो वाली पैलेट्स मैंने पर्पल से मंगवाई हैं पर्पल पे ना सिंगल प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं मिलता है आप देखना अमेजोन से कंपेयर करके देखना सेम प्रोडक्ट आप अमेजोन पे देखोगे या कहीं और आपको प्राइस कम दिखेंगे बट आप पर्पल पे जाओगे तो आपको रेट थोड़े हाई मिलेंगे वो क्यों होता है क्योंकि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं मतलब अब तक तो, तो मेरा एक्सपीरियंस ये ही रहा है कि यार अमेजोन से इतना गंदा नहीं रहा है अमेजोन से भी अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अच्छी ही चीज मुझे रिसीव हुई है बट मैं आपको एक्जाम्पल के लिए बता रही थी आप कोई नेगेटिव में वे में मत लेके जाना बट ये वाली पैलेट बहुत ही बेकार है आप बिल्कुल भी इस पैलेट को मत खरीदना एक तो इतनी बड़ी पैलेट है इतनी बड़ी पैलेट खरीदने की आपको जरूरत है नहीं ये देखो छोटी छोटी पैलेट खरीदो मस्त होती हैं वर्थ होती है बेस्ट होती, होती है आपके पॉकेट फ्रेंडली होती हैं ठीक है ऊपर से ये इतने सारे कलर्स तो हैं बट मजा नहीं आया मुझे ना अब मैं जबरदस्ती इसमें से मेकअप कर करके दिखाऊं अब मैं जिस प्रोडक्ट में से आपको मेकअप करके कर दिखाऊंगी आप तो वही का लिंक मांगोगे ना उसी प्रोडक्ट का फिर मैं आपको ये बोलूंगी कि नहीं आप ये प्रोडक्ट मत लो फिर आप बोलोगे नहीं आपने इस में में तो इसमें से मेकअप तो अच्छा किया है तो इसलिए मैं करती ही नहीं हूं ये मेरी बेटी ने खराब कर दी है बट मैंने छुपा के रख दी थी वो क्या करती थी ऐसे जैसे रखी हुई है अंदर ऐसे उंगली घुसा दी ऐसे ऐसे लगा लिया और ये देखो सब उसने घुसा घुसा के क्या सत्यानाश मारा उसने मैंने इससे एक दो बार मेकअप किया मुझे बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना ऐसा फीलिंग आई जैसे मेरे बेटे के वाटर कलर अब बच्चे छोटे छोटे हैं कलर्स लेके भी घूमते रहते हैं उधर उधर बैठ जाते हैं तो फिर पता चल जाता है ना अरे तो सेम चीज है तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी पैलेट नहीं लगी तो मैं आपको बिल्कुल भी ये वाली पैलेट रिकमेंड नहीं करूँगी दिखाऊँ मैं आपको ये दिखा देती हूँ ठीक है ये देख लो आप ये जो है ना ये ग्लिटर्स हैं बट ये प्रेस्ड ग्लिटर नहीं है ये पाउडर ग्लिटर है और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ ये ग्लू ग्लू की क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं यूज कर चुकी हूँ बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बट ये मैंने ग्लिटर्स अभी तक यूज नहीं किया बट मैंने चेक किए थे बहुत ही अच्छे ग्लिटर्स हैं ग्लू के साथ अप्लाई करो जहर लुक आता है और शेड आप देख लो कितने अच्छे शेड है बहुत ही खूबसूरत शेड है आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि देखो ये तो पाउडर वाले ग्लिटर्स हैं है ना और बहुत ही क्वांटिटी में कम है पर आप क्वांटिटी देख लो बहुत ही कंजूसी से दिए हुए हैं ये बहुत ही सोच सोच के इतने चुने चुने से और इसकी जो ग्लीटर्स की ये ग्लू की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी क्वालिटी है हाईली रिकमेंड करूँगी आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं बट क्वान्टिटी बहुत थोड़ी थोड़ी दी हुई है देख लो भाई अच्छे से देख लो ठीक है ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हाँ थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो पूरी देखी आप देखते देखते यहाँ तक आए उसके लिए दिल से बड़ा वाला बड़ा वाला थैंक यू सो मच